हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, लास्ट वीडियो हमने क्या पढ़ा था, बोला था द थ्योरी ऑफ कॉन्ग्रुएंस में कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन पढ़ी थी एवं एक थ्योरम पढ़ी थी। थ्योरम थी फॉर आर्बिट्री इंटीजर ए एंड बी, ए कॉन्ग्रुएंट टू अगर बी मॉडल एन हो तो ए और बी सेम रिमाइंडर लीव करते हैं। उसके बाद हम थ्योरम नंबर टू पढ़ते हैं, वो है लेट एन ग्रेटर देन वन बी ए फिक्स बी फिक्स एंड ए बी सी एंड डी आर आर्बिट्री इंटीजर, कोई इंटीजर है, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड। और फॉलोइंग प्रॉपर्टी क्या है, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, सेकेंड है इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन देन बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, इस तरह सी है वो हमारे पास ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन हो तो ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन प्रूव करना है। डी है इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉडुलो एन एंड ए डॉट सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डॉट डी मॉडुलो एन। और ई है हमारे पास इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन देन ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉडुलो एन एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी मॉडुलो एन। और एफ है हमारे पास, वो है हमारे पास इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू मॉडुलो एन एंड देन ए की पावर के कॉन्ग्रुएंट टू बी की पावर के मॉडुलो एन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। ये हमें फ्रेंड्स थ्योरम प्रूव करनी है, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने ये सभी जो थ्योरम्स के जो पार्ट थे लिख लिए होंगे, आप उनको लिख लीजिए। उसके बाद हम डायरेक्टली प्रूफ कर रहे हैं। इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, देन इसका मतलब ए माइनस ए कॉन्ग्रुएंट टू डिवाइडेड बाई एन एन जीरो डिवाइडेड बाई एन एन जीरो, जीरो टाइम डिवाइड कर जाएगा। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं सो ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन ट्रू है। उसके बाद गिवन दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू मॉडल बी मॉडुलो एन एन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एन के टाइम, मान लिया के कोई इंटीजर है। अगर दोनों तरफ हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, या तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये होगा बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अब दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई किया तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन माइनस के टाइम। अब चूंकि के भी एक इंटीजर है तो माइनस के भी एक इंटीजर होगा, तो हम कह सकते हैं बी बी है वो कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन, यहाँ प्रूव हो गया। उसके बाद सी आता है गिवन ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन देन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एन के टाइम, हमने कोई मान लिया के टाइम इसको डिवाइड कर रहा है। एंड फ्रेंड्स बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन, यानी बी माइनस सी डिवाइडेड बाई एन करने पर एल को एक इंटीजर आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को हम सम कर दें तो ए माइनस बी अपॉन एन प्लस बी माइनस सी अपॉन एन, तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी डिवाइडेड बाई एन और डिवाइड कितने टाइम कर रहा है, के प्लस एल टाइम। सो ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉडुलो एन लिख सकते हैं। उसके बाद डी आता है गिवन ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन देन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एन के टाइम मान लिया एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉडुलो एन देन सी माइनस डी अपॉन एन एल टाइम मान लिया। अब इन दोनों का सम क्या है फ्रेंड्स, तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी डिवाइडेड बाई एन के प्लस एल टाइम, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ई आता है गिवन दैट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन देन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई एन बराबर के टाइम, तो ए प्लस बी हम सी हमने ऐड किया और सी सबट्रैक्ट किया, तो ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, तो ए प्लस सी को अलग लिख लिया माइनस बी प्लस सी को अलग लिख लिया अपॉन एन के टाइम, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस सी मॉडुलो एन। अब इसका सेकंड पार्ट था वो है हमारे पास ए माइनस बी अपॉन एन के टाइम, हमने मान लिया कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन दिया हुआ है। अब हमने यहाँ पे सी का मल्टीप्लाई किया इधर भी और इधर भी, तो सी सी डॉट ए माइनस बी एन ये के टाइम, तो सी ए माइनस सी बी अपॉन एन बी के सी को एक इंटीजर होगा क्योंकि सी हमने इंटीजर लिया है, तो सी ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे थ्योरम के सारे पार्ट प्रूफ हो जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।